फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन। हम पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल डालें या घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज। प्याज को मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया है ताकि जल्दी पक जाए। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तब तक हम दूसरे पैन में, नॉन स्टिक पैन में, बैंगन को पका लेते हैं। 1 बड़ा बैंगन लिया था मैंने और उसके गोल गोल स्लाइसेस कट कर लिए थे, तो उसको अब हम पकाएंगे इसमें। ये 1 ही बैंगन है, बड़ा मोटा, तो उसके मैंने स्लाइसेस ना ज़्यादा मोटे काटे हैं ना ज़्यादा पतले काटे हैं। ये देखें, ऐसे ही कट करने हैं आपको भी। अब थोड़ा तेल ऊपर भी ब्रश करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। थोड़ा बैंगन के ऊपर नमक भी छिड़क दें और क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 20 काजू, 20 केशू। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून खसखस। खसखस डालें, पॉपी सीड्स मतलब, 2 टीस्पून खसखस को। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तिल, सेसमी सीड्स। इनको भी बैंगन प्याज के साथ भून लेंगे। अभी डालिएगा क्योंकि इन सारी चीज़ों को भूनेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा, वरना कढ़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, दूसरी साइड पे भी बैंगन को मैंने लो गैस पे रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी भून लें 1 मिनट। खसखस, तिल, काजू, प्याज, इन सब को साथ में भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। अब हम टमाटरों को अच्छे से पकाएंगे। इसमें डालें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, फेनुग्रीक लीव्स, और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें और इसे अच्छे से भून लें। अब हम इसमें डालेंगे नमक हसबे जायका। इसमें सिर्फ 3 मसाले जाएंगे, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड पेपर। इसको भी भून लें थोड़ा। नमक मैं अभी फिर से डाल रही हूँ थोड़ा हसबे जायका। तो नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको भी भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। अब हम इस ब्लेंडर में ये मसाला डालेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। दूसरी साइड पर मैंने बैंगन लो फ्लेम पर रख दिए ताकि पहले मैं कढ़ी बना लूं, फिर मैं मीडियम फ्लेम करके बैंगनों को भी देख लूंगी अच्छे से। तो इसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट हमें वापस इसी पैन में डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो ये मैं पैन ग्राइंडिंग जार से सारी पेस्ट निकाल लेती हूँ अच्छे से। तो मसाले को हम 8 मिनट अच्छे से भून लेंगे अब। तो ये देखिए, मैंने सारा मसाला निकाल लिया है ब्लेंडिंग जार से, खाली हो गई है बिल्कुल। मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो दूसरा मसाला लगा हुआ है ब्लेंडिंग जार में वो हम पानी डाल के निकाल लेंगे। तो फिक्र ना करें, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको अच्छे से भून लें। जितना अच्छा भूनेंगे ना प्याज और टमाटर के मसाले को, उतना अच्छा टेस्ट आएगा कढ़ी में। 3 टेबलस्पून दही डाल दें, बाज़ार का गाढ़ा दही। अब हमें डालें 3 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम, कुकिंग क्रीम मतलब, मीठी नहीं होनी चाहिए क्रीम, ध्यान रहे। क्रीम जैसे टेट्रा पैक की क्रीम आती है ना, वो डाल दें आप 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून ही दही डाल दी हमने। अब हम इसको और पकाएंगे 5 से 6 मिनट। तो बैंगनों को भी मैं आपको दिखा दूं, थोड़े थोड़े लाइट गोल्डन हो गए हैं। जो पक गए हैं वो हम प्लेट में निकाल देंगे। इसमें डालें 1/2 कप पानी कढ़ी में और इसको उबलने दें, मिक्स करें। तो इसको पकने देते हैं 5 से 6 मिनट तक कढ़ी को। बैंगन जो पक गए हैं वो मैंने प्लेट में निकालती जा रही हूँ प्लेट में, और जो दूसरे हैं वो उन्हें पकने देती हूँ साइड में। तो जो पक गए हैं उन्हें मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, बैंगनों को, और दूसरों को मैं अब और पकने देती हूँ 5 से 6 मिनट तक। ये जल्दी पक जाते हैं, पर मैंने फ्लेम लो की थी। तो दोनों तैयार हैं, बैंगन भी पक गए हैं, कढ़ी भी रेडी है। चलते हैं अब इसे सर्व करने की तरफ। आप चाहें तो ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में डालेंगे
इसमें डालें हसबे ज़ायका नमक। सॉरी, मैंने टेस्ट किया, नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक थोड़ा और। तो सबसे पहले हम प्लेट में डालेंगे कढ़ी, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे बैंगन। तो आप चाहें तो पहले बैंगन डालें, ऊपर कढ़ी डालें, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी चावल के साथ भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। जिसके साथ आपको सर्व करनी है उसके साथ एंजॉय करें। इसमें थोड़े थोड़े बड़े काजू के चंक्स भी हैं कढ़ी में, क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी काजू के चंक्स खाने में अच्छे लग रहे थे कढ़ी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।